हर साल की भांति इस बार भी श्री बज्रेश्वरी देवी शक्तिपीठ में मां के माखन श्रृंगार यानी घृत मंडल की तैयारियां जोरों से चली हुई है। पुजारी लोग माखन बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल मकर संक्रांति यानी लोहड़ी से अगले दिन मकर संक्रांति पर मां की पिंडी को माखन से ढका जाता है और उसका श्रृंगार सूखे मेवों से किया जाता है। ये माखन किसी एक जगह से न लाकर आसपास के गांव के लोग उपलब्ध कराते हैं, यानी जो माथा टेकने के लिए आसपास के गांव से आते हैं। इसमें आसपास का मतलब 20, 30, 50, 100 किलोमीटर भी है। श्रद्धा के मुताबिक लोगों को जिनको पता है कि इन दिनों माखन श्रृंगार होना है और होता है, वे अपने अपने घर से यहाँ घी दे के जाते हैं। और घी के बाद जो असली, जो इस पूरी खबर दिखाने का हमारा मकसद है, जो असली इसका रहस्य है, असली इसकी जो खास बात है, वो ये है कि माखन से आपने घी तैयार होते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घी से माखन तैयार हो सकता है? आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई, घी तो घी है, अब उससे दोबारा माखन कैसे बनेगा? लेकिन कांगड़ा में यही होता है। लगातार लोगों द्वारा चढ़ाए गए घी को ठंडे पानी से धोया जाता है, बार बार धोया जाता है। कहा यह जाता है कि उसको 108 बार धोया जाता है, लेकिन ये ज्यादा बार भी ये प्रक्रिया कर दी जाती है, और तब तक इसको धोया जाता है जब तक वो रिवर्स फॉर्म में नहीं आ जाता, यानी कि घी फिर से माखन नहीं बन जाता। और जब ये माखन बन जाता है तो फिर उस माखन से माँ की पिंडी को ढका जाता है और 4 से 5 फीट ऊंचा घृत मंडल जिसको कहते हैं वो बनाया जाता है, और फिर कई दिन तक, लगभग 5 से 6 दिन तक ये उसी तरह से श्रृंगारित रहती है माता की पिंडी। और पिंडी के रूप का अगर आप दर्शन करना चाहें तो आपको माखन की जो बड़ी ऊंची पिंडी बनी होती है, मूर्ति बनी होती है, उसके दर्शन होंगे। और उसके बाद इस माखन को जब उतारा जाता है तो उसको लेने के लिए भी हजारों लाखों भक्तों की लाइनें लगती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी आदमी को कितना भी गंभीर चर्म रोग क्यों ना हो और वह अगर उसकी दवाइयां करके थक गया है तो उसको इस माखन का लेप लगाने से ही उसका चर्म रोग दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और उस मान्यता के चलते लोग यहाँ पहले घी चढ़ाते हैं जिसे माखन के रूप में बदलकर माखन श्रृंगार किया जाता है, और उसके बाद फिर हजारों लाखों की संख्या में लोग लाइन में लगकर थोड़ा थोड़ा वही माखन प्रसाद के रूप में, दवाई के रूप में ले जाते हैं।